घर में रुपया आ रहा है जा रहा है, एक रुपए कमा रहे हो, सवा रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, काले कलर के तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से एक लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर, रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए, दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए, कभी जिंदगी में संपदा। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे अगर हमारे घर में, किसी के घर में होता है ना कि धन लक्ष्मी नहीं टिकती, पैसे आते हैं चले जाते हैं, अगर वो एक रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये चले जाएंगे, ऐसा होता है, तो इसके लिए गुरुजी ने एक सरल सा उपाय बताया है, काले तिल का और चावल का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।